हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी। जैसा कि आलू सबको पसंद है, टमाटर भी सबको पसंद है, तो आज हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी बहुत ही सिंपल और इजी वे में। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 आलू उबले हुए, 4 से 5 छोटे टमाटर, रिफाइंड ऑयल, जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक, अदरक, 3 से 4 हमने हरी मिर्च ली है। फ्रेंड्स, आलू को हम पहले स्क्वायर शेप में छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये हमारा आलू कट के रेडी है। अब हम इन आलू को पहले हल्का सा भूनेंगे। इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे, थोड़ा सा ऑयल, ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद हम अपना आलू उसमें भूनने के लिए डालेंगे। फ्रेंड्स, ये आलू बस हमें हल्का सा भूनना है। ये आलू टमाटर की सब्जी बहुत ही इजी वे में बनती है। इसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब तक हमारा आलू भून रहा है, तब तक हम अपने टमाटर को ग्रेट कर लेंगे। एक से दो मिनट भूनने के बाद हमारा आलू तैयार हो जाएगा। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। आलू को बाहर निकालने के बाद सेम कढ़ाई में हम फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का, हमने जिसे मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट डालेंगे। ये हमने अदरक और मिर्ची डाल दिया है। अब इसे हल्का भूनेंगे। लगभग 10 सेकेंड ये भून गई। अब इसमें हम अपना ग्रेट किया हुआ टमाटर डालेंगे। अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टमाटर अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल भी छोड़ने लगा है। आप इस सब्जी में चाहे तो हल्दी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, इसका कलर वैसे ही अच्छा आएगा। जब हमारा टमाटर इतना भून जाए, फिर अब हम इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, बिल्कुल छोटा चम्मच,
डालेंगे और एक मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद अब हमें इसमें डालना है पानी। टमाटर की सब्जी ठंडे होने के बाद थोड़ी गाढ़ी होती है, इसलिए हम जिस हिसाब से अपनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उससे हल्का ज़्यादा पानी डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। और अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए आलू, जो हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है, वो आलू ऐड करेंगे। अब हम अपनी सब्जी को थोड़े कम से कम 5 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अब आप जैसा कि देख रहे हैं हमारी सब्जी बिल्कुल पक गई है और अब हम इसे देखेंगे। ये देखिए, इसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी हो गई है। आप अपने टेस्ट और पसंद के अनुसार इसकी ग्रेवी रख सकते हैं। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार है। लास्ट में जब सब्जी पूरी तरह से बन जाए तब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। जी हाँ फ्रेंड, ढेर सारा हरा धनिया। इसका फ्लेवर अलग से आएगा सब्जी में, जो सब्जी को और भी टेस्टी बना देगा। फ्रेंड्स, एक बार ये सिंपल आसान से बनने वाली आलू टमाटर की सब्जी आप ज़रूर ट्राई करें। हमें पता है एक बार ट्राई करने के बाद आप इसे बार बार बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। बच्चे बड़े सबके ये फेवरेट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।